हेलो बिजनेस ओनर्स, क्या आप आपका गूगल बिजनेस का पेज मैनेज करना चाहते हैं और इसके पहले जो आप ऐप यूज करके गूगल बिजनेस पेज मैनेज कर रहे थे वो ऐप अभी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका पेज आप मैनेज कैसे करें, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें हम सभी चीजें बताएंगे कि आप पेज आपका कैसे मैनेज कर सकते हैं और कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम इसके रिगार्डिंग वीडियो डालते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जिससे आपने आपका गूगल बिजनेस पेज बनाया था, तो वो ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए और आपके बिजनेस का नाम डायरेक्टली सर्च कर लीजिए गूगल पे। तो मैं डालता हूँ मेरे क्लाइंट के बिजनेस का नाम, जैसे डेनफिक्स नाम है उनका। अभी इन्होंने हमें रिसेंटली उनका गूगल बिजनेस मैनेज करने के लिए दिया है, तो ये उनका बिजनेस ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आपने ये बिजनेस का नाम डाला तो ये चीज़ें आपको दिखेगा नहीं कि 2377 व्यूज दिस मंथ करके, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 12 न्यू रिव्यूज करके जो दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पेज मैं मैनेज करता हूँ, इसलिए ये कंटेंट मुझे दिख रहा है। बाकी अगर कोई ये पेज ओपन करता है या गूगल पे सर्च करता है तो उन्हें ये नहीं दिखेगा, उन्हें खाली इतना ही पार्ट दिखेगा, उसमें भी ये एड फोटो ये सब ऑप्शंस नहीं आएंगे। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यू मैनेज दिस प्रोफाइल करके लिखा हुआ है, तो ये जो प्रोफाइल है उसे मैं मैनेज करता हूँ इसलिए ये ऑप्शंस दिखा रहा है। जैसे आपको देखना है कि आपके पेज पे कौन से नए रिव्यूज़ आए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से नए रिव्यूज़ आपको मिले हुए हैं। उस पर रिप्लाई देना है तो डायरेक्टली आप यहीं से रिप्लाई दे सकते हैं, तो एज अ बिजनेस ओनर आपका रिप्लाई वहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके फ़ोटोज़ हैं वो क्या डाले हुए हैं वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नया फोटो डालना है तो भी आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके चूज़ फोटो करिए और अपलोड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपका जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और कैसे अपलोड होगा, एज अ बिजनेस ओनर अपलोड होगा कि बिजनेस ओनर ने ये फोटो अपलोड किया है। फिर यहाँ पे जैसे आप पोस्ट डालते थे इसके पहले, तो वो पोस्ट कहाँ से डालेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। नीचे आ जाइए स्क्रोल करके, स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐड अपडेट्स करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड अपडेट पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है और फोटो क्या है और बटन आप क्या डालना चाहते हैं। जैसे कॉल का बटन आप डालना चाहते हैं तो कॉल नाउ कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन और फोटो यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये एज अ पोस्ट आपके पेज पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके पेज पे पोस्ट भी डाल सकते हैं। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके बिजनेस का कंटेंट है उसे आप एडिट करना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है एडिट योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन करके, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में वो आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो आपके बिजनेस रिलेटेड है, जैसे बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का कैटेगरी क्या है। ये जो बिजनेस का नाम है या कैटेगरी है इसे मॉडिफाई ज़्यादा मत करिए, क्योंकि अगर आप मॉडिफाई ज़्यादा करेंगे तो आपका पेज सस्पेंड होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन है, आपका ओपनिंग डेट है, फ़ोन नंबर्स है, वेबसाइट जो है वो है, फिर उसके बाद में शॉर्ट नेम है, मेन्यू लिंक है, जो लोकल एरिया आप जो सर्व करते हैं, लोकेशन एंड एरिया है जो आपके बिजनेस का है, सर्विस एरिया क्या है। तो अभी मैं यहाँ पे सर्विस एरिया डाल देता हूँ, जैसे ये जो बिजनेस है उनका सर्विस एरिया ठाणे है, ठाणे वेस्ट है, तो मैंने ठाणे डाल दिया, फिर ठाणे वेस्ट डाल देता हूँ। तो ये करने से क्या होगा कि जो आपका बिजनेस एरिया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में ये जो कंटेंट है वो रिव्यू में जाएगा, थोड़ी देर के बाद में रिव्यू होने के बाद में अपडेट हो जाएगा। फिर अगर मुझे इसका वर्किंग आवर्स अपडेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, तो अभी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर मैं ये डालना चाहता हूँ कि कुछ बीच में लंच है या ब्रेक है तो वो भी आज मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अभी ये जो बिजनेस है ये वुमेन लेड है, मतलब ये जो बिजनेस ओनर है वो वुमेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वुमेन लेड लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ऑफ ये है फैसिलिटी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर और भी एडिशनल फीचर्स है जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर आना है तो अपॉइंटमेंट लेना है क्या, तो यस रिक्वायर्ड करके है, उसे सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके गूगल बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो आपको ऐप लगता था वो ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करना है वो आप अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मगर आपको एक चीज़ याद रखना होगा, आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जिससे आपने गूगल बिजनेस पेज बनाया था, या तो आप वो पेज के मैनेजर होंगे तभी ये लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।